मैं थोड़े मना करने के बावजूद डैडी जी नू दस बैठी वो देसी हकीम लैके आया। आओ जी हकीम साहब आओ। बेटे चिंता नहीं करनी, हकीम साहब सब ठीक कर देंगे। हाँ मैं सब ठीक कर दूंगा। पहला सब जनानिया नू बाहर कढ़ दिओ। इत्थे दस जनानिया खड़ियां, लै दे के एक तो जनानी है, पर जेड़ी भी हैगी इहनू बाहर कढ़ो, क्योंकि लाज बड़ा टेढ़ा है, इहतों देखिया नहीं जाणा। तुसी हौसला रखियो, सब ठीक हो जूगा। हाँ हुण मेरी गल सुनो, मैनू तुसी ऐ दसो भी तुहाडे मरीज किहड़ा। मतलब लत्ता ने जी मरीज। ला मैं तां गुंगिया नू बोलन लाता, बोलिया नू सुन लाता, लंगड़िया नू तुरन लाता। हुण दसो बच्चा बीमारी कदों तों शुरू होई? अज सवेर तो एकदम हिलजुल बंद हो गई, लत्तां सुन हो गई। बेटे दिल ना छड़ो, हकीम साहब ने बड़ियां बड़ियां बीमारियां ठीक कीतियां। टिल्लो साहब गोल्डी ने देसी इलाज नाल ठीक नहीं होना, तू ठीक नहीं होना। हाँ ठीक नहीं होना। ओहो बुगे घबराने क्यों, मन्ने इलाज थोड़ा टेढ़ा, भावे तुहाडे तो देखे नहीं जाना, पर मैं करांगा गारंटी नाल। देखो भावे तुहाडे इत्थे पर लत्तां मिलखा सिंह वांगू भजणगियां भजणगियां, फिर मैनू उलामा नहीं देना। हकीम साहब हाथ ता पायो जे बीमारी समझ आउंदी है, नहीं तो कोरा जवाब दे दो, थोड़ी पेमेंट हो जूगी, है ना। हाँ मैं सब समझ गया, एक तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, जय जी कच्चा होवे ता दंदा थले जीव दबा के बैठ जाना, ते जदों महसूस होया ता बोल के दसना, ठीक है। महसूस होया? ना ना। ए हुण महसूस होया? पर तू अपना स्टैंड नहीं छड़ना, जे महसूस नहीं हो रहा तो कह भी महसूस नहीं हो रहा, क्यों जी? बिल्कुल परमानेंट खड़ा देनिया ने, जलाद ना हो जलाद क्या मैं बंदा खड़ा करता है, लत्त ही है नहीं।